तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के रिवेल्यूशन के फोरम स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपडेट यहाँ पे 21 दिसंबर 2022 की है, लेकिन वीडियो यहाँ पे मैं लेट बना रहा हूँ। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रिवेल्यूशन के फॉरम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है और फीस कितनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन है जो कि आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे अपडेट है मिल जाएगी। दोस्तों इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर LLM फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और BA BBA LLB फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर के यहाँ पे फॉरम स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी यहाँ पे लास्ट डेट है वो 9 जनवरी 2023 है। और दोस्तों हम फीस की बात करें कि फीस कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक कॉपी, अगर आप एक कॉपी चेक करवाते हैं तो उसकी यहाँ पे फीस है वो है यहाँ पे 430 रुपया पर पेपर और 100 रुपये यहाँ पे है वो अप्लीकेशन फ़ीस ली जाएगी, मतलब 530 रुपये यहाँ पे हो चुके हैं। लास्ट डेट है वो यहाँ पे 2023 है, आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कि फॉर्म कैसे हमें आपको फिल करना है और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, सावधानी रखनी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की जो सेकंड पोर्टल है, जिसे आप एग्जामिनेशन पोर्टल कहते हैं, हम वहाँ पे आ चुके हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट का नाम है वो यहाँ पे आप देख लीजिए ALUExam.in, जो कि मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप टैप करोगे तो आप सीधा ही है वो इस पेज पर पहुँच जाओगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस पोर्टल पर क्या क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे इधर देखिए एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, यहाँ पे परीक्षा की सूचनाएं वो आपको यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे देखिए जो नोटिफिकेशन मैंने अभी आपको दिखाया था ये वाला, ये आपको यहीं मिलेगा, ये देखिए जो कि यहाँ पे 21 दिसंबर का है, आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन वो मिल जाती है, ठीक है। बाकी ये कॉलेज पैनल है, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है, ये जो कॉलेज के जो लोग हैं वो इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। इधर देखिए स्टूडेंट पैनल, ये जो पैनल है सारा का सारा आपके काम का है, पूरा का पूरा जो पैनल है वो आपके काम का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रिवेल्यूशन फॉरम, तो यहाँ पे आपको टैप करना है, यहाँ से हमें वो फॉरम को भरेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए सिलेबस के बारे में, रिजल्ट के बारे में, जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन रिवेल्यूशन फॉरम पर टैप करना होगा। जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं तो आप एक नए पेज पे पहुँच जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ क्लिक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कुछ रूल वगैरह दिए हुए हैं उनको आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए कि आप फॉर्म भरने के बाद में जो आपकी हार्ड कॉपी है उसमें यहाँ पर टाइमिंग लग सकता है, तो एक घंटे बाद में वो आप ट्राई कीजिए, आपकी हार्ड कॉपी है वो निकल जाएगी, प्रिंट आउट में थोड़ा टाइम लग सकता है, ये सब बोला जा रहा है। तो आपको फॉर्म भरने के लिए आपको रोल नंबर पे आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे है वो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर कौन सी सन में आप हुए थे वो आपको यहाँ पे डालना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए जो आपका कोर्स है वो कौन सा है तो वो आपको बताना होगा इसमें। तो हम जैसे यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, जैसे आप किस चीज़ का फॉर्म भर रहे हैं, BA LLB है या फिर BBA LLB है, LLB फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है, LLM फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जो भी है आप वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे सेकेंड ईयर का भर रहा हूँ LLB का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आई वेंट टू, यहाँ पे अप्लाई फॉर रिवेल्यूशन और नीचे प्रिंट माई फॉरम, जैसे आप फॉर्म भरने के बाद में प्रिंट आपको लेना होगा तो आपको नीचे वाले पे क्लिक करना होगा, फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपको फॉर्म नया फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अप्लाई फॉर रिवेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके सामने आपका फॉरम है वो शो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि जिससे मैं मुझे नंबर मिले हैं रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ में, उसने बोला कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप किसी के सामने शो मत करना। तो यहाँ पे मैं हाइड रखूँगा, मैं आपको बता सकता हूँ
कि आपको कैसे कैसे है वो फॉर्म को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपके पेपर ड्यू है, ठीक है, और आप चाह जैसे आप फर्स्ट ईयर में थे और आपके कुछ पेपर ड्यू है, सेकेंड ईयर आपने वो एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, उसमें भी आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात है कि फर्स्ट ईयर पेपर भी हमें शो कर रहे हैं कि ऊपर वाले जो पेपर हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये पेपर फर्स्ट ईयर के हैं, ठीक है। आप इनमें भी यहाँ पे दोस्तों रिवल करवा सकते हैं, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आपके यहाँ पे 9th पेपर है वो नीचे शो हो रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात ऐसी है, कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे आप है वो 4 कॉपी के रिवोल्यूशन करवा सकते हैं, ओनली 4 कॉपी है उनके आप है वो रिवल के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आप इनको इसमें मैं टैप कर रहा हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के हैं, बाकी यहाँ पे सेकेंड ईयर का है। अब जैसे मैं यहाँ पे वापस IPC पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आप है वो 4 पेपर्स में ही है रिवल करवा सक रिवल है वो करवा सकते हैं, तो यहाँ पे 4 में करवा सकते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप फर्स्ट ईयर पेपर भी यहाँ पे वो रिवल करवा सकते हैं, ये अच्छी बात है कि आपके नंबर है बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे आप फॉर्म है अगर आप खुद से भर रहे हैं तो आपका नेट कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं है तो अगर सर्वर फेल हो जाता है और आप पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे इशू हो जाता है तो आपके पैसे आपको वापस नहीं मिलने वाले। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि आप फॉर्म जब भी भरें तो ईमीटर के थ्रू भरिए, वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपकी सेव रहती है, तो कोई इशू होता है तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे पेपर को आपको चूज कर लेना है, जैसे मुझे यहाँ पे जुरिसप्रूडेंस, IPC, TP Act और कंपनी लॉ, इसमें मेरे को रिवल करवाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे टैप करना है सेव एंड प्रोसेस पे, तो यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना है और फिनिश ख़त्म। यहाँ पे आपके टोटल पैसे हो रहे हैं वो हो रहे हैं यहाँ पे 1820 रुपये ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे अगला वाले आपको पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे QR कोड आपके सामने आ चुका है, अगर आपको पेमेंट करना तो आप इसमें यहाँ पे जैसे पेमेंट करोगे तो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा और फिनिश हो जाएगा और आपको एक है वो प्रिंट मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप प्रिंट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप पेमेंट आपका हो चुका है प्रिंट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वापस से बैक आना होगा इसको। तो यहाँ पे ऐसे अगर आपका पेमेंट हो जाता है सक्सेसफुली हो जाता है, बस आपका काम हो गया, अब आपको फिर से उस वेबसाइट को ओपन करना होगा वेबसाइट दोस्तों आपको ओपन करने के बाद में जैसा भी अभी मैंने आपको बताया था रिवल के फॉरम में आपको जाना है, वही यहाँ पे इनके रोल नंबर वगैरह आपको डालने होंगे। यहाँ पे डालने के बाद में आपको अप्लाई जो लिखा रहा है यहाँ पे माई प्रिंट पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैंने इनका रिवल का फॉर्म अप्लाई नहीं किया इसलिए शो नहीं हो रहा है, तो आपके सामने इनका प्रिंट है वो शो हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक रोल नंबर और है उसको मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो इसको भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इनकी जो डिटेल वो यहाँ पे मैंने डाल दी है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ माई प्रिंट माई फॉर्म पे और यहाँ पे सबमिट पे मैं टैप करता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं प्रिंट आपके सामने आ चुका है। अगर नहीं आता है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, तो इनका ये प्रिंट है और यहाँ से नीचे देखिए प्रिंट इस पेज पे आपको क्लिक करना होगा और आपके सामने वो प्रिंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रिंट भी ले सकते हैं साथ में और अपना फॉर्म है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई इश्यू आता है तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको बता देंगे फिर से नया वीडियो बना के। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें बताना कमेंट करके, इस वीडियो लाइक करना, शेयर करना और आप सब्सक्राइब कीजिए अशोक जांगिड LLB यूट्यूब चैनल को, जहाँ पर आपको है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर से जुड़ी जानकारी और आपको लीगल जानकारी यहाँ पे मिलती रहती है। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, इसी नाम से अशोक जांगिड LLB के नाम से, जहाँ पे आपको लीगल जानकारी वो मिलती रहती है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।